Good morning, students. Today we are going to revise measures of central tendency, जिनको हम averages भी कहते हैं. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि why do we find out measures of central tendency or averages? What is the purpose of finding it and what are these? बेटे statistics involves 5 stages. जब हम statistics को singular sense में study करते हैं इट इज द स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स. ठीक है, तो देर आर 5 स्टेजेस इन्वॉल्व्ड इन स्टैटिस्टिक्स विच इज कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा. ठीक है, स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व्स ऑल दीज स्टेजेस. डेटा को पहले सबसे पहले कलेक्ट किया जाता है. जो कलेक्टेड डेटा होता है वो रॉ डेटा होता है. ठीक है, जैसे आपको घर में कुछ बनाना है, आप सब्जियां अपने गार्डन से तोड़ के लाए, वो रॉ है, उसको आप एज इट इज नहीं खा सकते, आपको पकानी पड़ेगी. सिमिलरली जो डेटा आपने कलेक्ट किया वो रॉ डेटा है, उसको आगे प्रोसेस करना पड़ेगा. ठीक है, उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, डिफरेंट क्लासेस में डालना पड़ेगा. तो जब हम उसको अकॉर्डिंग टू इट्स सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट क्लासेस में डाल देते हैं, ऑर्गेनाइज कर देते हैं, उसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन. राइट, देन डेटा नीड्स टू बी प्रेजेंटेड सो दैट इट बिकम्स यू नो इजी टू ग्रैस्प द फैक्ट्स. जब हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं, चाहे टेबल की फॉर्म में, चाहे ग्राफ की फॉर्म में और चाहे डायग्राम की फॉर्म में, तो डेटा को ग्रैस्प करना ईजी हो जाता है. ठीक है, then after presentation we need to analyze the data. Analysis involves deep study of data. Data jab tak hum uski deep study nahi karenge hum usse koi conclusion nahi draw kar payenge. Theek hai, so why are we collecting, organizing, presenting data? To draw some conclusions. Aap daily newspaper mein dekhte ho covid ke itne cases aaye hain. ठीक है, कभी डायग्राम बनाता है, कभी कोई ग्राफ या पाई डायग्राम बनाता है. आपको ये सब क्यों बताया जाता है? ताकि आप इसमें से कंक्लूजन ड्रॉ कर सको. ठीक है, कि आज हम कौन सी स्टेज में हैं, आज हमें कितनी प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है, क्या हम खतरे से बाहर हैं या नहीं है. ठीक है, सो ऑल दिस इज डन टू ड्रॉ कंक्लूजन्स, दैट इज टू इंटरप्रेट द रिजल्ट. सो डेटा कैन बी इंटरप्रेटेड, दैट इज conclusions can be drawn only on the basis of analysis of data. Data ko analyze karna hota hai. Ab data ko analyze karne ke liye there are different statistical techniques. Theek hai, there are different statistical techniques which are there for the analysis of data. First one being measures of central tendency. Then there are others also, measures of dispersion, correlation, index number. ये 4 techniques आपके syllabus में है. बाकी जितनी techniques हैं वो आगे जाके BCom 1 में आप करोगे. ठीक है, but for now we are starting with the first statistical technique, which is measures of central tendency. Why do we find out measures of central tendency, जिसको हम short में averages भी कहते हैं? बिकॉज मैंने आपको बताया डेटा है हमारे पास, हमने उसको क्लासीफाई कर दिया, डिफरेंट रॉ डेटा पहले लिया, रॉ डेटा जैसे मैंने आपकी क्लास के मार्क्स टेस्ट लिया, मैंने लिस्ट बना ली. ठीक है, आप देखते हो हमारे पास एक टेस्ट रिकॉर्ड होता है, उसमें क्या है, आपके जितने मार्क्स हैं उनका रिकॉर्ड है, दैट इज अ रॉ डेटा. तो अगर आपको मैं दिखाऊं बेटे बताओ इससे क्या पता चलता है, तो आपने बड़े आपने कहा ठीक है मैंने तो स्टैटिस्टिक्स किया हुआ है, मेरे को तो पता चल जाएगा, इसको मैं इंटरप्रेट कर सकूंगा. जैसे ही आपने पढ़ना शुरू किया, किसी बच्चे के 10 मार्क्स, किसी के 8, किसी के 6, 7, आपने एक कंक्लूजन फॉर्म करनी शुरू की, हाँ भाई ये क्लास जो है अच्छी है, अबव एवरेज है. इतने में इसके 0, इसके 4, फिर इसके 9, इसके 10, आउट ऑफ 10 है सपोज करो मार्क्स, फिर किसी के 3, किसी के 2, किसी के 10, किसी के 9. अब आपसे कंक्लूजन नहीं ड्रॉ की जा रही. ठीक है, फिर आप क्या कर सकते हो, आप इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो, आप इसको क्लासेस में डाल सकते हो. यानी
0 to 50% कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स है, 50 to 70 कितने परसेंटेज कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स है, 70% से 100% कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स है, इससे आपको एक इसको एनालाइज करने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको ये बता दूं कि आपकी क्लास के एवरेज मार्क्स जो है वो 6 हैं, उससे कोई आप कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो? यू कैन इंटरप्रेट द रिजल्ट्स इन अ बेटर वे, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको इसकी एवरेज बता दी। व्हाट इज एवरेज? विद द हेल्प ऑफ एवरेज वी रिप्रेजेंट द इंटायर सीरीज विद वन सिंगल वैल्यू, वी रिप्रेजेंट होल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, होल ऑफ द सीरीज विद वन सिंगल वैल्यू, वो है एवरेज का पर्पस। क्योंकि आपको ये पूरा डेटा कुछ नहीं बताएगा, इसको ग्रैस्प करने के लिए आप पूरी सीरीज को एक सिंगल वैल्यू से जब रिप्रेजेंट कर दोगे, ठीक है, तो थिंग्स विल बिकम मीनिंगफुल, मीनिंगफुल कंक्लूजंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस। और जिस सिंगल वैल्यू से आपने इसको रिप्रेजेंट किया उसको क्या कहते हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और एवरेजेस। क्लियर? मेजर्स मतलब माप है, तरीका है। सेंट्रल टेंडेंसीज को इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो वैल्यू आती है वो जनरली सेंटर में लाई करती है, ठीक है, दीज टेंड टू लाई इन सेंटर, सो दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हाउ डू वी फाइंड आउट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? देर आर डिफरेंट वेज, देर आर डिफरेंट मेजर्स, सम ऑफ देम आर मैथमेटिकल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मैथमेटिकल एंड रेस्ट आर पोजिशनल। विच आर द मैथमेटिकल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? मीन, बेटे मीन तीन तरह का होता है, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, वी हैव इन अवर सिलेबस अर्थमेटिक मीन। सेकेंड इज पोजिशनल। वॉट आर पोजिशनल? मीडियन, मोड एंड अदर पार्टिशनल वैल्यूज लाइक क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स, परसेंटाइल्स, ठीक है, ऑल दीज आर पोजिशनल एवरेजेस। याद रखेंगे ये मैथमेटिकल और पोजिशनल। एमसीक्यू आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैथमेटिकल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोजिशनल, ठीक है, या मोड इज डैश मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मैथमेटिकल, पोजिशनल। तो अगर आप थ्योरी स्किप कर गए तो देन यू विल नॉट बी एबल टू आंसर इट, ठीक है। दूसरी बात आपने ये याद रखनी है, अर्थमेटिक मीन जो है मैथमेटिकली फाइंड आउट होता है, और ये ग्राफिक मीन से ग्राफिक लीफ इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ अर्थमेटिक मीन ग्राफिकली? आंसर इज नो। कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ मीडियन ग्राफिकली? यस। हाउ? बाय मेकिंग यूज ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स किए हुए आपने 10th में? अच्छा, ओके, फाइन। वैसे ये मीन मीडियन मोड किया हुआ था, ओके, सो नाउ यू रिमेंबर। क्योंकि नहीं किया हुआ तो फिर आपको पता होना चाहिए, आगे ग्राफ ग्राफ का जब हम करेंगे ना पोर्शन तब हम डिटेल में करेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ मेरिट्स डीमेरिट्स तक लिमिटेड है ये। तो आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि मीडियन और मोड दोनों की वैल्यू हम ग्राफिकली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, लिख लो, मीडियन कैन बी फाउंड बाय मेकिंग यूज ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स दो तरह के होते हैं, लेस देन ऑब्जेक्ट्स, मोर देन ऑब्जेक्ट्स। तो मीडियन कौन से ऑब्जेक्ट से निकाल सकते हैं? दोनों से, बाय मेकिंग यूज ऑफ बोथ लेस देन ऑब्जेक्ट एंड मोर देन ऑब्जेक्ट। क्लियर? कैसे? वी आर नॉट कंसर्न विद दैट नाउ, जस्ट अ फैक्ट आई एम स्टेटिंग के वैल्यू ऑफ मीडियन कैन बी फाउंड ग्राफिकली बाय मेकिंग यूज ऑफ ऑब्जेक्ट्स, लेस देन ऑब्जेक्ट,
लेस देन ऑब्जेक्ट से भी निकाल सकते हैं, मोर देन ऑब्जेक्ट से भी निकाल सकते हैं, इन दोनों से साइमल्टेनियसली भी निकाल सकते हैं, ठीक है, याद रहेगा। मोड की वैल्यू भी हम ग्राफिकली फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे, बाय मेकिंग यूज ऑफ हिस्टोग्राम, ये किया या नहीं, हिस्टोग्राम। सो हिस्टोग्राम का इस्तेमाल करके हम मोड की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर। सो एमसीक्यू बन सकता है, वैल्यू ऑफ विच ऑफ दीज कैन बी फाउंड आउट बाय मेकिंग यूज ऑफ हिस्टोग्राम, मीन, मीडियन, मोड, कोटाइन, मोड, ऑजेस, मीडियन, ठीक है, सारी पार्टिशनल चाहे कोटाइल्स वगैरह वो भी ऑब्जेक्ट से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द रिवीजन ऑफ अर्थमेटिक मीन। तो बेटे जब हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन अलग अलग तरह की होती है, याद है, वन इज क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जब डेटा को हम ऑन द बेसिस ऑफ टाइम क्लासिफाई करते हैं उसको क्या कहा जाता है, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ऑन द अदर हैंड जब डेटा को हम ज्योग्राफिकली क्लासिफाई करते हैं प्लेस के बेसिस पर उसको कहते हैं ज्योग्राफिकल या स्पेशियल क्लासिफिकेशन। व्हेन वी क्लासिफाई फैक्ट्स और डेटा ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल लोकेशन और प्लेस उसको कहते हैं स्पेशियल क्लासिफिकेशन। जब हम डेटा को टाइम के बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं उसको क्या कहते हैं, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। थर्ड वन इज क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। व्हाट इज क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, व्हेन वी क्लासिफाई द डेटा ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल उसको क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन कहते हैं। सो क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन में हम डेटा को सीरीज में क्लासिफाई करते हैं। वी कैन मेक थ्री टाइप्स ऑफ सीरीज विच आर इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज। याद रहेगा कौन सी तीन सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज को हम अनग्रुप्ड डेटा कहते हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस को हम ग्रुप्ड डेटा भी कह देते हैं क्योंकि उसमें ग्रुपिंग की जाती है। इंडिविजुअल सीरीज में हर आइटम को हम इंडिविजुअली रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जैसे आपकी मार्क्स का मैंने अभी एक डेटा बनाया, लिस्ट बनाई, दिस इज व्हाट इंडिविजुअल सीरीज। इसको मैं चाहे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लूं, चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लूं, चाहे एज इट इज लिख दूं। क्या इसके साथ कोई और फ्रीक्वेंसी का कॉलम है, इसमें हर आइटम को इंडिविजुअली रिप्रेजेंट किया है, यानी अगर ए स्टूडेंट के मार्क्स 10 है, एफ के भी 10 है, जी के भी 10 है, तो मैंने ऐसे नहीं लिख दिया कि 3 स्टूडेंट्स मार्क्स 10, मैंने हर एक को इंडिविजुअली रिप्रेजेंट किया, मैंने डेटा की ग्रुपिंग नहीं की। ऐसी सीरीज को क्या कहते हैं, इंडिविजुअल सीरीज। अनदर टाइप ऑफ सीरीज इज डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज इज द वन which is used to classify discrete variable. You know what is variable? Anyone? What do you mean by variable? Anything which can be measured numerically. कोई भी चीज जिसको हम numbers में quantitatively ठीक है मेजर कर सकते हैं। एनी फिनोमेना विच कैन बी मेजर्ड एंड हूज वैल्यू वेरीज, वेरिएबल है ना, वेरिएबल वो है जिसकी वैल्यू वेरी करती है, लेकिन वैल्यू तभी आ सकती है ना अगर हम उसको मेजर कर सकते हैं क्वांटिटेटिवली। दो तरह के फिनोमेना होते हैं बेटे, एक जिसको हम मेजर कर सकते हैं, दूसरे जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। ब्यूटी, कैन इट बी मेजर्ड? ऑनेस्टी, कैन इट बी मेजर्ड? इंटेलिजेंस, कैन इट बी मेजर्ड?
इंटेग्रिटी, पेट्रियोटिज्म, ब्यूटी नहीं मेजर हो सकते ना, लेकिन मार्क्स, प्राइस, वेट, हाइट, इनकम मेजर हो सकते हैं। तो जो मेजर हो सकते हैं वो क्या हो गए, वेरिएबल। जो नहीं हो सकते वो उनको बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो ये इनकम, आपकी इनकम को मैं मेजर कर सकती हूँ और आपकी इनकम वेरी करती है, तो वो हो गई वेरिएबल। वेरिएबल दो तरह के होते हैं, वन इज डिस्क्रीट, अनदर इज कंटिन्यूस। व्हाट इज द डिस्क्रीट वेरिएबल? विच टेक्स फिनाइट वैल्यू, होल नंबर्स हूज वैल्यू वेरीज इन जंप्स, किसी भी तरह से डिफाइन कर लो, जिसकी वैल्यू जंप्स में वेरी करती है, मतलब जो फ्रैक्शंस में नहीं आती जो वैल्यू, वो हो गया डिस्क्रीट वेरिएबल। नंबर ऑफ रूम्स इन योर हाउस, आपके घर में कितने रूम्स हैं, कोई भी बता दो, पांच लगा लो, चलो आप बताओ, एनीवन बेटे, किसी के घर में दो, किसी के तीन, किसी के पांच, किसी के चार, साढ़े तीन तो नहीं है, नहीं है ना। तो नंबर ऑफ रूम्स इन अ हाउस इज ए डिस्क्रीट वेरिएबल, जिसकी वैल्यू जंप्स में वेरी करती है। क्लियर? अनदर टाइप ऑफ वेरिएबल इज, बी अटेंटिव, कंटिन्यूस, विच कैन टेक एनी नंबर ऑफ वैल्यूज विद इन टू स्पेसिफाइड लिमिट्स, जो दो लिमिट्स में कोई भी वैल्यू ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल योर वेट, योर वेट नॉट नेसेसरली बी 30, 31, 45, 48, 52 kgs, इट कैन बी 52 kgs 400 grams, इट कुड बी 52 kgs 150 grams, हो सकता है या नहीं, यानी कोई भी वैल्यू ले सकता है, फ्रैक्शंस में चेंज हो सकता है, ऐसे वेरिएबल को क्या कहते हैं, कंटिन्यूस वेरिएबल्स। कंटिन्यूस सीरीज इज द वन विच इज यूज टू क्लासीफाई कंटिन्यूस वेरिएबल, डिस्क्रीट सीरीज इज द वन विच इज यूज टू क्लासीफाई डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट वेरिएबल। अगर आपको पहचान करनी है इनमें से कौन सी सीरीज डिस्क्रीट है और कौन सी कंटिन्यूस है, तो पता चल जाना चाहिए आपको जब मैं ये लिखूंगी। तो दिस सीरीज इज कंटिन्यूस है, कोई कंटिन्यूस बोल रहा है, कोई एक पर्सन है जो सही बता रहा है, कौन है वो, दिस इज डिस्क्रीट एंड दिस वन इज, सो इट्स क्लियर, कंटिन्यूस इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल्स। इसकी अलग अलग टाइप्स होती है, ठीक है, वो हम साथ साथ कर लेंगे। अभी हम आते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का पहला मेजर, विच इज अर्थमेटिक मीन। व्हाट इज अर्थमेटिक मीन? सम टोटल ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, इट्स ऑफ टू टाइप्स, सिंपल अर्थमेटिक मीन, वेटेड अर्थमेटिक मीन। क्या डिफरेंस है दोनों में? सिंपल अर्थ नहीं, फ्रीक्वेंसी नहीं, सिंपल अर्थमेटिक मीन में हम हर जो वेरिएबल की डिफरेंट वैल्यूज हैं उनको सेम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। जैसे आपके मार्क्स हैं पांच सब्जेक्ट्स के, ठीक है, इंग्लिश, अकाउंट्स, बिजनेस, यहां पे मैंने आपके मार्क्स लिख दिए पांचों सब्जेक्ट्स में, से 32, 46, 57, 68 and 18, ये पांच सब्जेक्ट्स के आपके मार्क्स हैं। अगर
सिंपल अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करेंगे तो इन सबका टोटल डिवाइडेड बाय 5। बट आप बोलो कि मैम इसमें मेरे 18 मार्क्स आए हैं, ठीक है मेरी एवरेज कम हो रही है, लेकिन ये कोई मेरे लिए, मैंने ये पढ़ा ही नहीं सब्जेक्ट, मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं रखता, ठीक है मेरे लिए आगे जाके फ्यूचर में इस सब्जेक्ट की मेरे लिए कोई रेलेवेंस नहीं है, इसलिए मैंने नहीं पढ़ा। तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन फाइंड आउट वेटेड अर्थमेटिक मीन। मैंने कहा ठीक है आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने कहा 5, मैंने कहा इसको हम वेट दे देते हैं 5। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तो हमने अकॉर्डिंग टू द इंपॉर्टेंस वेट्स असाइन कर दिए। नाउ वी कैन फाइंड आउट वेटेड अर्थमेटिक मीन, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग वेट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो और टोटल ऑफ वेट्स के साथ डिवाइड कर, ठीक है, दिस विल गिव यू वेटेड अर्थमेटिक मीन। वेटेड अर्थमेटिक मीन और सिंपल अर्थमेटिक मीन में डिफरेंस आएगा वैल्यू में या नहीं? अगर सबको सेम वेट्स दे दिए फिर सिंपल अर्थमेटिक मीन विल बी इक्वल टू वेटेड अर्थमेटिक, ठीक है। अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसका आप नहीं सोच पा रहे हो, वेटेड इज ग्रेटर देन सिंपल या लेस देन सिंपल या इक्वल टू, आप एक हाइपोथेटिकल डेटा ले लो, खुद 4 वैल्यूज लो, वेट्स लगाओ, जैसे ये मैंने अभी लिया, इसका सिंपल भी निकाल लो, इसका वेटेड भी निकाल लो, टाइम कम है तो इस तरह के ना लो 32, 46, 10, 20, 30, इस तरह ले लो मार्क्स, ताकि आपकी कैलकुलेशंस सिंपल हो जाए, ठीक है, ओके। सो हाउ टू फाइंड आउट अर्थमेटिक मीन, अगेन देर आर 3 टाइप्स ऑफ सीरीज, दीज आर, सो देर आर डिफरेंट फॉर्मूलाज टू फाइंड आउट सिंपल अर्थमेटिक मीन एंड देर आर डिफरेंट मेथड्स, फर्स्ट वन बीइंग डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में इंडिविजुअल सीरीज में अगर आपको अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला क्या होगा, एक्स बार इक्वल्स समेशन एक्स अपॉन एन। 5th-6th में जब बच्चे होते हैं तभी वो फाइंड आउट करना शुरू कर देते हैं, एवरेज पता चल जाता है। व्हेन यू गेट योर मार्कशीट यू वांट टू फाइंड आउट योर परसेंटेज, यू टेक द टोटल ऑफ योर मार्क्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, दिस गिव्स यू व्हाट, एवरेज, मीन मार्क्स, ठीक है। लेकिन अगर ये सीरीज डिस्क्रीट है तो क्या फर्क है दोनों में, डिस्क्रीट और इंडिविजुअल में? कॉलम F, इंडिविजुअल में F कॉलम नहीं एग्जिस्ट करता, डिस्क्रीट में फ्रीक्वेंसी कॉलम। तो फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, X बार इक्वल्स समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन F, जहां जहां X है उसको कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, क्लियर बेटे? ये मैं टोटल मार्क्स दे रहा है ना, लॉजिक समझो, फॉर्मूला के पीछे लॉजिक क्या है, ये टोटल मार्क्स है। अब हमने क्या किया, हमने आपकी सीरीज को रीअरेंज कर दिया, हमने कहा 32 मार्क्स 2 स्टूडेंट्स के आए हैं, तो इसका मतलब टोटल मार्क्स कितने हो गए? अगर आपने ऐसे सीरीज में लिखा होता 32 32, तो दो बार ये ऐड होते हैं या नहीं? अभी आपने उसको अरेंज कर दिया डिस्क्रीट में, तो आपको चाहिए तो टोटल मार्क्स ना। अगर आप सिर्फ ये वाले मार्क्स ऐड कर लोगे तो ये मार्क्स 2 बच्चों के आए हैं, ये 5 के आए हैं, ये 4 के आए हैं, ये 3 के आए हैं, 1 के आए हैं, यू नीड टू मल्टीप्लाई इट और नॉट टू गेट। So what is summation fm giving you? Nothing but fx is giving you, summation fx is giving you total marks. ठीक है,
ये इतने मार्क्स, ये इतनों का टोटल, इतने का टोटल, सबका टोटल कर लो, टोटल मार्क्स आ गए क्लास के, ठीक है। सो समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, कंटिन्यू सीरीज में क्योंकि क्लास इंटरवल्स होती हैं, इसीलिए एक्स को एफ से मल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं, मल्टीप्लाई एक सिंगल वैल्यू से होता है ना। मैं आपको बोलूं 4 into 3 आप कर लोगे, मैं बोलूं 0 to 4 into 3 कर पाओगे नहीं, तो फिर क्या करना है उसको, मिड वैल्यू फाइंड आउट करनी। मिड वैल्यू आ गई, उसको क्या नाम दे दिया, एम। एम को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, कॉरेस्पॉन्डिंग एफ, तो फॉर्मूला क्या बन गया, एक्स बार इक्वल्स समेशन एफ एम अपॉन समेशन एफ। व्हाट इट देन, शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड हम क्यों अप्लाई करते हैं, डायरेक्ट में कई बार सीरीज ज्यादा है तो टोटल में हमें कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है, तो हम एक शॉर्टकट मेथड अडॉप्ट कर लेते हैं। शॉर्टकट में हम क्या करते हैं, सीरीज में से एक वैल्यू को एज्यूम्ड मीन ट्रीट कर लेते हैं। सपोज कर लिया कि ये हमारा मीन है पर वो एक्चुअल तो नहीं है, उसको क्या नाम दे दिया, एज्यूम्ड मीन, ठीक है। फिर उसकी वैल्यू हर वैल्यू में से उसकी सीरीज माइनस कर देंगे, दिस इज एक्स, दीज आर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स, उसमें से एक वैल्यू एज्यूम्ड मीन ए ले लिया, फिर हमने कॉलम बनाना है डीएक्स, व्हाट इज डीएक्स, एक्स माइनस ए, डेविएशंस, डी का मतलब होता है डेविएशंस, क्लियर। मैथ्स के स्टूडेंट्स करते होंगे इसको, सिंपल डी लिख देते हैं हम, डीएक्स लिख देते हैं, ठीक है, आप जो मर्जी लिख लो, मेक्स नो डिफरेंस, ठीक है। तो इसका टोटल ले लेते हैं, अब क्योंकि इसमें से ए माइनस किया हुआ है, फॉर्मूला में जाके ए ऐड कर देते हैं, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है, एक्स बार इक्वल्स ए प्लस समेशन डी एक्स अपॉन एन। इसमें और इसमें क्योंकि ये डिस्क्रीट सीरीज है, इसमें एफ आ जाएगा, ठीक है, और इसमें समेशन एफ डी एम, क्योंकि मिड वैल्यूज हैं तो एक्स की जगह एम आ जाए, ठीक है। सो ये फॉर्मूलाज एक बार ही रिवाइज कर लेना, कल हम इसके न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।